हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उन्नति डंगवाल, आई एम फ्रॉम रामनगर उत्तराखंड। मेरा आईपावा -5.5 के आसपास था और क्योंकि मैं मार्शल आर्ट खेलती हूँ तो उस टाइम पे विदाउट स्पेक्स दिखने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि खेलते टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। विदाउट स्पेक्स ढंग से क्लियरली दिखाई नहीं देता था। पहली सर्जरी थी, इससे पहले मैंने कोई भी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ नहीं किए थे, विदाउट स्पेक्स ही खेला था। सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर सजेस्टेड मी कि यू गो टू डॉक्टर रायल चौधरी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जन फॉर आई सर्जरी। उन्होंने रिकमेंड किया, मैं यहाँ आई। नॉर्मल जो स्टाफ्स का बिहेवियर था, डॉक्टर्स का बिहेवियर था, वो सब बहुत अच्छा था, फ्रेंडली नेचर है सबका, इजीली बातचीत हो ही जाती थी। हमने डॉक्टर से कंसर्न किया, काफ़ी सारे टेस्ट्स हुए तो नॉर्मल था रिपोर्ट्स, और हमें सर्जरी प्रेफर की उसके नेक्स्ट डे ही। तो फिर हम गए, थोड़ी देर वेट किया, फिर जब हम लोग एंटर कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में तो ऐसा कोई फियर तो था ही नहीं, बहुत ईजिली गए, रैंडम होके गए, जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही गए। सर्जरी के दौरान स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे आई, बट आफ्टर डैट जब हम सेकेंड स्टेज पे गए, क्योंकि दो स्टेजेस में होना था, सिर्फ प्रोसीजर था, पहले स्टेज में हल्की फुल्की दिक्कत सी हुई बट सेकेंड स्टेज में इट वॉज नॉर्मल। इवन डॉक्टर जो थे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली से थे, बहुत अच्छा नेचर था उनका। इवन वो अपनी सर्जरी के टाइम गुनगुना रहे थे, मैं सुन रही थी, बहुत ईजीली कर रहे थे। वापस आते समय तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली स्पेक्स हट गए थे और विजन मेरा क्लियर हो ही गया था, 90% क्लियर हो गया था, दिखाई दे रहा था मुझे, तो इट वॉज गुड, दैट वॉज ऑसम, काफ़ी अच्छा था, आई फील मच बेटर, थैंक यू। एक बार स्टेज शुरू करो, नीचे देखो, परफेक्ट, एक बार आपको विजन चेक करता हूँ, ऊपर से पढ़ो, डी यू एच पी के एस सी जेड वी एफ ई टी आर एस पी के यू एच एफ जेड सी वी डी। वेरी गुड इधर, आप सेंसली फाइन। सो धीरे धीरे आपका जो क्लैरिटी इम्प्रूव होने के लिए और भी कपल ऑफ डेज में और भी क्लियर होगा, बट यू आर ऑलमोस्ट रीडिंग 6x6 इवन ऑन द डे 1, सो विद टाइम पीरियड गेट्स मच बेटर। ओके, एंड मेडिकेशंस, स्टिक टू द मेडिकेशंस, एंड सेकंड थिंग, कीप योर आईज क्लीन, ठीक है? वो वाइप्स भी दिया होगा, वाइप्स से कर सकते हो ना, या वाइप्स से क्लीन कर लेना अराउंड 5 days, 1 week तक, आंख के अंदर वगैरह कुछ पानी वगैरह वो कुछ चीज आपका ऐसे कुछ नहीं जाना है, तो थोड़ा सा साफ रखना है। आफ्टर अ वीक यू कैन लाइक फॉलो अप, स्टिक बैक टू योर रूटीन। शुरुआत में इसको जब स्पेक्स से बचपन से थे तो मैं इसको खेलने के लिए अवॉइड कर रहा था थोड़ा सा, कि कहीं चश्मे से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके बाद इसने जिद करके अभी पिछले 1.5 साल से पंचक सलाटे गेम नया आया था उसमें इसने पार्ट लेना शुरू किया। इसकी मम्मी ने इसे काफ़ी वो करा कि नहीं तो खेल में देख लूँगी, पापा से बात कर लूँगी, फिर इसने उससे चालू करा, फिर इसको थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो जो पास्ट में मेरे को प्रॉब्लम्स थी, मैं सिल्वर मेडलिस्ट रही हूँ फर्स्ट बीच गेम्स में जो दमनंद दीव में हुए थे, मेरी अपोनेंट के विजन्स मुझे क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से मैं सिल्वर मेडल लेके आई, सिर्फ 3 पॉइंट से मैं हारी हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था स्कोर में। उत्तराखंड में 38 नेशनल्स होने वाले हैं, अब मुझे उसके लिए ट्रेन होना है और उसमें मेरे को गोल्ड लाना है। उत्तराखंड में गोल्ड लाने का मतलब है कि तुम एशियन के लिए सिलेक्टेड हो, और वो एशियन गेम बैंकॉक में होने वाले हैं। I7 के बारे में मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया, हल्द्वानी, उनके पड़ोस में कोई लेडी रहती थी, उन्होंने कराया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर राहिल चौधरी वन इज़ द बेस्ट डॉक्टर। तो मैंने गूगल में सर्च किया, फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली, फिर हम यहाँ आए, और यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली रहा सबका नेचर, ऑल ओवर गुड था सब कुछ, सब कुछ एक्सपीरियंस भी अच्छा था, अच्छा था, थोड़ा टाइम लगा। ऐसा है ना कि अब हम किसी और को सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने कहाँ प्रेफर किया, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि I7 हॉस्पिटल इज द बेस्ट लाजपत नगर में, और डॉक्टर राहिल चौधरी से करवाना हो तो फाड़ूंगा एकदम। आई बल्कि मेरे 2-4 दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उन्होंने तो मेरे से बोला जी यार कितना खर्चा आया, क्या आया, सब पूछ के बोले यार मैंने भी कराना है। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा बोला कितना टाइम लगा, क्या लगा, मैं टाइम भी कुछ नहीं लगा, ओनली 10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा। इवन मेरी सिबलिंग भी बोल रही थी कि अब वो भी प्रेफर करेंगे, उन्होंने इवन जब मैं यहाँ आ रही थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि उन्नति पहले तुम कराओ, उसके बाद नेक्स्ट नंबर मेरा ही है। आँखें जैसी कमजोर चीज़ है उसके लिए आदमी डरता है, अब सब सोच रहे हैं कि पहले ये करा ले फिर हम भी कराएंगे, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि मतलब पहल करने में आदमी डरता है पहले, मैंने देखा ना। अब मैं आया हूँ तो मेरे संग संग मेरे ख्याल से मेरे अगल बगल 10-12 लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे थे, बोले हाँ यार मैंने भी देखा था, सिल्क बढ़िया है, सिल्क बढ़िया है, बोला मैं भी कराता हूँ। मैंने करा लो फिर क्या इशू है, बोले डॉक्टर कौन कैसे हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, मैंने कहा नंबर 1 है, रिकॉर्ड है उनके नाम पर सबसे ज़्यादा सर्जरी 1 day,
बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर राहिल चौधरी जी का और स्टाफ मेंबर्स का कि जिनकी वजह से मेरी बेटी को एक बहुत बड़ा का जो बीच का एक बैरियर था कैरियर का वो उससे विराम मिला है। थैंक यू डॉक्टर टोटल स्टाफ मेंबर एंड डॉक्टर साहब। थैंक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।